जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज पर। तो दोस्तों, आपके किस स्टेनोग्राफर के वैकेंसीज आउट हुई है? तो दोस्तों, ये वैकेंसीज आपके आउट हुई है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, पहली बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी आती है। तो ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों मैं बता दूँ, ये देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जो कि मेघालय में स्थित है। आप यदि गूगल पर जाकर चेक करोगे तो दोस्तों देख पाओगे कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों बहुत से लोग गोल्डन चांस होगा और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें एक प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है बट इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसके लिए हम बात नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम सिर्फ स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं C04 इसका पोस्ट कोड है स्टेनोग्राफर का, तो ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 19 पोस्ट स्टेनोग्राफर के आउट हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसका पे लेवल 4 रहेगा, आपको पता ही है। तो 19 पोस्ट है दोस्तों, 10 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की है और 8 पोस्ट ST कैटेगरी की है और एक पोस्ट EWS कैटेगरी की यहाँ पर रहेगी। SC और OBC वालों के लिए पोस्ट नहीं है। यदि जो बंदे SC और OBC वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ रखिएगा दोस्तों, टोटल 19 पोस्ट आउट हुई है, 10 पोस्ट जनरल की और 8 पोस्ट ST की है। अब ST वाले कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक पोस्ट EWS के लिए, तो वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स की। तो दोस्तों जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों जनरल OBC और EWS वालों के लिए 500 रुपये रहेगी और SC ST वालों के लिए 250 रुपये यहाँ पर फ़ीस रहेगी। और जो भी वुमन कैंडिडेट्स है, चाहे किसी कैटेगरी की हो, जनरल EWS OBC फॉर्म फ्री होगा। तो वुमन्स चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, फॉर्म फ्री है। और SC ST वाले मेल्स के लिए 250 और जनरल EWS OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट ऑनलाइन 2 दिसंबर है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें कंडीशन भी है, 2 दिसंबर तक आप फॉर्म भर दिया तो और उसकी हार्ड कॉपी को इनको एड्रेस पर भी भेजना है। 12 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सेंड करने की। तो ये भी प्रोसीजर इसमें रहेगा, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना ही नहीं है, उसकी हार्ड कॉपी निकलवाइएगा और उसको इनके एप्लीकेशन, इनके एड्रेस उस पर भेजना है। एड्रेस क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट इसका पे लेवल 7 है बट दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कि 3 साल का पर्सन, तो इसमें आप लोग नहीं भर सकते मोस्ट ऑफली, तो इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बात करते दोस्तों स्टेनोग्राफर की, ग्रेजुएट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन मांगी है। तो ग्रेजुएशन कब तक हो जानी चाहिए? तो दोस्तों 2 दिसंबर से पहले पहले आप ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। और अधिकतम एज दोस्तों 32 साल इसमें रखी गई है, जो उन बच्चों के लिए जो ओवर एज हो चुके हैं, तो 32 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो जनरल का ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में 80 की स्पीड रखी गई है, इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी। और तो ये चीज़, और इसमें दोस्तों टाइपिंग भी होगी आपकी, इंग्लिश वालों के लिए 35 की स्पीड मांगी है और हिंदी वालों को 30 WPM की स्पीड मांगी है टाइपिंग की। जब आपका स्किल होगा तब ये करवाया जाएगा। और कंप्यूटर की नॉलेज की, एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो अब जब पहले दोस्तों इसमें रिटर्न होगा, रिटर्न पास करने के जो बच्चे पास करेंगे उनका स्किल होगा, स्किल में 80 की स्पीड है, इंग्लिश वालों को ट्रांसक्राइब करने के लिए 65 मिनट और हिंदी मतलब 50 मिनट और हिंदी वालों को 65 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश वालों को 50 मिनट और हिंदी वालों को 65 मिनट दिया जाएगा। 10 मिनट की डिटेक्शन आपको बोली जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों लगभग सब पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं, फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई कमेंट बचा हो, नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो और ये कुछ बेसिक रूल्स हैं कि यूनिवर्सिटी में प्रोबेशन पीरियड कितने का होगा और SST वालों को कितनी छूट मिल रही है, तो लगभग बेसिक है दोस्तों। और इन्होंने ये बता रखा है, और यदि फिर भी आपका कोई कमेंट बच गया और डाउट वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यू वैकेंसी की जानकारी जल्द बताते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।